मैं ना बस निकलने वाली थी, तनिष के ट्विटर आने वाले हैं। आप कौन? आपकी बेटी तनिष का होम ट्विटर। मैं तो उससे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, आओ अंदर। एक मिनट, ये चप्पल ना भारी उतार देना। वो एक्चुअली क्या है ना, हम बाहर की चप्पल अंदर यूज नहीं करते हैं। जी मैम। सो कमिंग टू द स्ट्रेट पॉइंट, आप मेरे बच्चे को पढ़ा पाएंगे? यस मैम, मैं एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है, अच्छा रिजल्ट भी उनका आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे को पढ़ा पाओगे। वो इंग्लिश में कोट है, हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंसान की पहचान ना उसके जूते से होती है, और मैं इंसान को पहचानने में चूक नहीं करती हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे बेटे का ICSE बोर्ड का एग्जाम है, तो वो पूरा इंग्लिश में आता है। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम उसे इंग्लिश में पढ़ा पाओगे? तुम्हें देख कर ये लगता है कि तुम किसी गांव से या देहात से बिलोंग करते हो। तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारे जूते देखो, तुम्हारा स्टाइल देखो। अब मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहेगा तो वो तुम्हारे जैसा बन जाएगा। सॉरी टू से दैट, बट जो फैक्ट है वही बोल रही हूँ मैं। नहीं मैम, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मुझे तो टेंशन हो रही है आपके बेटे के भविष्य की। मतलब? मैम, इस दुनिया में माँ ही बेटे की पहली गुरु होती है, और जिसकी गुरु ऐसी हो उस बच्चे का क्या भविष्य होगा? कहना क्या चाहते हो तुम? मैडम, आपने मुझे बहुत कुछ बोला और मैंने आपको बिना टोके सुना, और अब मैं आपको कुछ कहूँगा तो प्लीज़ मैम बुरा मत मानिएगा। लगता है आपने शिक्षा की परिभाषा गलत किताब में पढ़ ली है। शिक्षा पे तो सबका सामान्य अधिकार है मैम, और जिसको समाज में कुछ अच्छा करना होता है वो अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानता मैम। जिसको पढ़ना होता है, जिसको कुछ करना होता है, उसको किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज या अच्छे शहर की ज़रूरत नहीं होती मैम। वो कहीं पे भी पढ़ सकता है, कुछ बन सकता है। जो जिसकी शिक्षा का स्तर उसके कपड़े से आंके। अनपढ़ वो नहीं होता जिसको पढ़ना लिखना ना है, अनपढ़ तो वो होता है जिसको किसी की इज्जत करनी ना है मैम। और हाँ, आपके शहर में पढ़े लिखे अनपढ़ बहुत हैं जो एक मिनट नहीं लगाते किसी की इज्जत उतारने में। आपसे मैं क्या ही कहूँ। वैसे 12th में मैंने स्टेट टॉप किया है और UPSC का एंट्रेंस क्लियर कर चुका हूँ मैं, इसीलिए कोचिंग सेंटर वालों ने मुझे हायर किया है और यहाँ आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आना पड़ा मुझे। मेरे घर की कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे घर घर जाकर कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज़रूरत मुझे कोचिंग की है उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत आपके बच्चे को एक अच्छे टीचर की है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैम। चलता हूँ मैं, हैव ए नाइस डे। सॉरी सर, कल से आप ही आ जाए मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। कल से आता हूँ मैं।